ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हाउस बिल्ड किया था, आज की वीडियो में हमें हाउस खरीदना है, रेनोवेट करना है और उसके बाद उसको फ्लिप करना है। हाउस फ्लिपर का एक हम शायद पहले कर चुके हैं, उसके बाद फिर से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पार्ट टू है ये। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं हाउस फ्लिपर की तरफ, कंटिन्यू गेम करेंगे क्योंकि पहला मिशन मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ तो किया था हमने। अच्छा हाँ, कुछ याद आया मुझे कि हमने एक दो मिशंस किए थे, एक घर रेनोवेट करके बेचा था जिसमें रेडिएटर या कुछ फिट किया था, और अपना ऑफिस जो घर पे बनाना है उसको हमने साफ़ किया था ताकि उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, है ना। हाँ तो ये था गाइस अपना ऑफिस। ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया आ गए हैं पिछली बार क्योंकि OBS की सेटिंग ख़राब हो गई थी, इस बार ग्राफिक्स की कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद अब ये लैग नहीं करेगी गेम। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले मिशन की तरफ। ये हमने थोड़ा थोड़ा साफ़ किया था जितना जितना मुझे करने आ गया था, अब मैं काफ़ी कुछ भूल भी चुका हूँ कि कैसे क्या होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं यूज़ द टूल, चेंज द टूल, ऐसे ऐसे करके, और लाइट ऑन करने के। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मिशंस की तरफ भाई, लैपटॉप पे मिशंस आ जाते हैं। और ये तीन पड़े हैं, बेबी ऑन द वे, सबसे ज़्यादा पैसा किस में, वो लिखा है क्या, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा होगा वो करेंगे। वो जो ओके कैन यू प्लीज़ ओके पेंट है बेबी ऑन द वे, ये वाला कर लेते हैं भाई। सून टू बी डैड लिखा है इसमें, तो इनका घर है, अ लॉट ऑफ टॉयज़ अ लॉट ऑफ फन। ठीक है ओके, तो इसमें क्या करना है, यू रिसीव्ड अ ब्रश, कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू टूल, यू पेंट वॉल्स विद अ ब्रश, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ द टैबलेट टू बाय पेंट। ओके, तो इसमें राइट साइड पे हमारा सारा का सारा टारगेट आ चुका है कि हमें क्या करना है। प्लॉट में कोई टास्क नहीं है, ठीक है, और क्लीन डर्ट, रिमूव ट्रैश, फर्निश रूम, पेंट रूम और क्लीन विंडोज़। चलो भाई लोग काफ़ी आ गया, बाहर कुछ नहीं करना, ये चीज़ अच्छी होगी। अंदर जा, ओ भाई ये कैसे घर में रहते हैं भाई। ओके, तो ये सबसे पहले हमने ट्रैश तो निकाल दिया, और ये भी निकालना पड़ेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैश है इनके घर में। और हाँ आई थिंक लास्ट वाला जो हमने घर किया था उसके बाद हमें ये सारा का सारा पैसा मिला था, जो ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा $31,000, ये सारा का सारा हमें पिछली बार मिला था, और आज शायद थोड़े ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। लेकिन मैं कंट्रोल्स भूल चुका हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है मुझे याद करने के लिए कि ये सफाई वाला पार्ट कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, राइट क्लिक होल्ड करने के बाद ऑप्शन आता है पेंट का, सेल का, क्लीन का। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम ट्रैश उठा देंगे और उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी देखते हैं। ठीक है, हर रूम का अलग अलग टास्क है, जैसे तुम राइट साइड पे देख रहे हो, हर रूम में अलग अलग टास्क आ रहे हैं जिस रूम में तुम एंटर करोगे। और ये मैं बाहर आ गया बैक साइड पे, इधर कुछ काम नहीं है। इस रूम के टास्क में ट्रैश हट गया, ठीक है, अब इस रूम में भी आई थिंक हाँ ट्रैश इसका भी हट गया। अब ये लास्ट बचा है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ डर्ट है, तो अब डर्ट वाला काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रूम से शुरू करेंगे। ओ, इस रूम में ट्रैश रह गया था भाई, काफ़ी ज़्यादा गंदा घर है भाई, कैसे बच्चा लाएंगे यहाँ पे ये। ठीक है ओके, प्लेस ऑब्जेक्ट क्रिब यहाँ पे लगानी है हमें खरीद के, क्लीन डर्ट और पेंट विद कलर्स, पेस्टल पिंक भी करना है। ओ माय गॉड ओके, तो चलो भाई सबसे पहले शुरू करेंगे हम क्लीनिंग से, और ये पकड़ लिया हमने, अब इसे होल्ड करके क्लीन करना है भाई। 9% हो चुका है हमारा, हाँ ये राइट साइड पे परसेंटेज आएगी इससे हमें पता चलेगा, वरना कुछ जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई इसमें। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा क्लीन हो गया, जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है सबसे पहले वो करेंगे, और ऑर्डर में करेंगे पहले एक एक रूम करके, नहीं तो बीच में काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ भी कर देते हैं, इससे बहुत पैसा मिलेगा भाई, पुराने से घर खरीद के उसे प्रॉपर सही करके, सही बेचेंगे ना तब बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर भी करना है शायद क्लीन, अरे ये रह गया कॉर्नर, इस तरफ आ गए, 81% हो गया। अब थोड़ा सा कहीं पे कुछ गंदा रह चुका है, उसका हमें देखना पड़ेगा, शायद यही है वो। वेलकम मैट चेंज करने पड़ जाएगी, या तो ये सारा साफ हो गया। इसमें और क्या चेंज हो सकता है भाई, ये तो मिस्ट्री वाली बन चुकी है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको उठा लें अगर, ओह इसको उठा के कोई फायदा नहीं हुआ ना, और इसको उठाएं अगर हम लोग, इसके पीछे भी कोई गंदगी नहीं है, मुझे लगा था इसके पीछे छुपी होगी गंदगी, लेकिन नहीं, तो फिर कहाँ से गंदा बचा ये भाई। आई थिंक ये वाला पोर्शन डन हो चुका है, इसमें 81% दिखा रहा है, लेकिन आई थिंक ये डन है।
तो इसको हमने जहाँ से लिया था वहाँ पे रख देंगे वापस। ठीक है, अब चलेंगे पहले वाले रूम में। सबसे पहले करेंगे क्लीनिंग वाला पोर्शन शुरू। इसमें तो बहुत ही गंदा भाई, इसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टूल्स देते ना क्लीनिंग के तो और मज़ा आता है, जैसे पावर वॉश सिमुलेटर में होते थे शायद। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, लेकिन ठीक है। ये सारा का सारा हो जाएगा, इस पर परसेंटेज जल्दी बढ़ेगी। 19% हो गया हमारा, ये रह गया थोड़ा सा। भाई लोग, इन्होंने पता नहीं किस किस चीज़ की गंदगी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये मतलब बुलाने से पहले कुछ भी साफ नहीं करते क्या? ठीक है, ये भी हो गया, 39% अपना हो चुका है। हाँ, अब तो ये इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, और ये भी हो जाएगा। 51% हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम जो करनी है वो है क्लीन द विंडो। उसके बाद हमें प्लेस द क्रिप, पहले पेंट कर लेंगे फिर क्रिप लगाएंगे, नहीं तो क्रिप के ऊपर पेंट हो जाएगा तो वो फिर से साफ करना पड़ जाएगा, अपनी मेहनत बढ़ जाएगी, है ना? ओके, तो 64% ये हो चुका है, एक कॉर्नर ये बचा है। इसके बाद 80% तक आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। यस, ये भी हो जाएगा। ओके, 77% आ गया, अब इसको क्लीन कर लेते हैं। 83% हो गया। अब कहाँ है, थोड़ा सा इसके नीचे दिख रही है मुझे गंदगी। रेडिएटर हटाना पड़ेगा भाई लोग, मुझे ऐसा लगता है, वरना ये साफ नहीं होगा। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने का ऑप्शन है क्या अपने पास? एक सेकेंड, यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन है क्या कहीं क्लीन करने का? नहीं, भाई यहाँ पे 81% पे क्यों अटका है मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो एनीवेज, इस रूम में आ गए हम लोग। इस रूम में हमें चेक करना है अब कहाँ कहाँ पे गंदा है। इसकी भी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ओके, एक तो रेडिएटर के साथ ही गंदा है, वो तो दिख रहा है सामने। ये लो, यहाँ से हो जाएगा ये साफ। और 87% हो गया, और एक इस कॉर्नर में ये गंदा है। ये लो भाई, ये भी हो गया, 93% हुआ है अभी भी। लेकिन और कहाँ रहेगी गंदगी? यहाँ है क्या भाई? यहाँ कहीं कुछ तो है, मैप में दिख रहा है मुझे, लेकिन समझ नहीं पा रहा मैं क्या है। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन अगर इसको चेक करूँ। नाइन्टी थ्री परसेंट पे अभी भी भाई है। ओके, अब इसको उठा के देखते हैं इसके आजू बाजू कहीं गंदगी है क्या। यहाँ से भी साफ है भाई। इसने तो म्यूजिक भी एकदम टेंस कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ओके, क्लीन द विंडो, विंडो भी क्लीन करनी है भाई, तो एक काम करते हैं साथ में विंडो भी क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, विंडो क्लीन हो रही है क्या? ये वाली करनी नहीं है, ये वाली करनी है। यस, ओ ये भाई, ये है ना मजेदार एकदम, क्या शानदार साफ हो रहा है भाई, एकदम चमक गया। लेकिन ये टूल कौन सा है भाई, और मैंने कब खरीदा ये टूल? किसी ने पिछली वीडियो देखी है क्या? ये मैंने कब खरीदा था? ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साफ कर दिया मैंने, आई थिंक ये हो ही गया ऑलमोस्ट। इज इट डन? वो कॉर्नर रह गया है। ओके, तो क्लीन द विंडो हो गया, रिमूव द ट्रैश हो गया, पेंट करना है, क्लीन द डर्ट। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे डर्ट बची है, लेकिन ठीक है। छत पे चेक किया मैंने, छत भी साफ है यार। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको वापस लगा देते हैं इसकी जगह पे। ये रहा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आइटम करनी है कि हमें यहाँ पे क्रिप प्लेस करना है, ठीक है? ये क्या है? ओ भाई ये क्या चीज़ है? और ये चमक क्यों रहा है? एनीवेज तो ठीक है, सबसे पहले क्रिप खरीदते हैं। क्रिप आ गया 112, ओ माय गॉड। क्रिप खरीद के हमने लगा दिया, ठीक है। प्लेस ऑब्जेक्ट बुक केस। भाई इन्होंने पहले तो बोला था मुझे किसी और रूम में लगा के देखें। इस रूम में नहीं लगाना करीब, इसमें लगाना है क्या? ना, और कहीं तो आएगा नहीं भाई, इसी रूम में आएगा करीब। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम करते हैं, प्लेस बुक केस, ठीक है। बुक केस वाला भी आ गया, बुक केस वाला आ जाएगा इधर साथ में, ठीक है। प्लेस ऑब्जेक्ट कैबिनेट विद चेंजिंग टेबल। भाई ये बच्चे के रूम में क्या क्या लगवा रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं समझ आ रहा ये। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दीवार के साथ लगाया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैबिनेट विद चेंजिंग टेबल, ओके ये भी ले लेते हैं, काफ़ी खर्चा करवा रहे हैं हमारा, लेकिन ठीक है। कैबिनेट विद चेंजिंग टेबल ये लो भाई, ये भी आ गया, ये भी लगा दिया हमने। उल्टा लग रहा था लेकिन इसको सही कर देते हैं। हाँ अच्छा, ये बेबी वाला ही सामान है भाई सारा का सारा, तो ये इसके लिए भी आ गया। प्लेस ऑब्जेक्ट प्रूफ, भाई कितना सामान खरीदवाएंगे ये लोग, लेकिन ठीक है, इससे हम मोटा चार्ज करेंगे पैसा। ये भी आ गया, तो ये घुमा के इस तरफ लगा देंगे, ये बच्चा खेल कूद करेगा उसके लिए, ठीक है। पूफ तो लगा दिया मैंने, अब क्या दिक्कत है? एक और पूफ चाहिए क्या? ठीक है, एक और पूफ ले लेते हैं, ठीक है। रूम फर्निश हो गया पूरी तरीके से, और कुछ सामान नहीं लाना है, अब इसको पेंट करना है। पेंट के लिए हमें, एक सेकेंड, पेंट तो खरीदना पड़ेगा शायद, यस। तो सबसे पहले पेंट खरीदना है हमें, पेस्टल पिंक, ठीक है। पेंट अपने पास आ चुका है, अब हमें सिर्फ पेंट करना है। ये लिया पेंट वाला, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई लोग, एक हो गई। ये मुझे लगा था भाई पहले कि ये सारा का सारा हमें हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ये सारा लगा दिया, लेकिन ये ऊपर क्लिक करके पूरी की पूरी दीवार हो जा रही है, तो ये शायद अपना काम इजी हो गया, ठीक है। पर एक पेंट से तो ये होने नहीं वाला जितना मुझे फील हो रहा है, तो इसके लिए और पेंट लेने पड़ेंगे, और क्लीन अभी तक भी नहीं हुआ भाई, अभी भी 93% भी दिखा रहा है डर्ट, तो ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना पड़ जाए भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने साफ़ किया था, लेकिन फिर भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं गंदगी है, तो इसे ही पता होगा कहाँ है गंदगी, ठीक है। और ये हो गया, ये बाकी रूम्स में आई थिंक सबसे ज़्यादा काम इसी रूम में था, बाकी किसी रूम में इतना काम होगा नहीं। इसमें भी ऑलमोस्ट हो ही गया, एक ही तरफ पेंट होता है चाहे, मुझे लगता है बाहर के घरों में, बाकी तरफ वाइट रहता है, और ऑलरेडी यहाँ पे पीला था, अब यहाँ पे चेंज कर दिया, तो बाकी तरफ तो वाइट ही रहेगा, ठीक है। और ये बच जाएगा पेंट हमारा। ओ नहीं भाई, आई थिंक पूरा का पूरा घर कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 16% हुआ अभी तक। नहीं भाई, सब करना है, एक तरफ नहीं करना, हर तरफ करना है, तो एक और बाल्टी खरीदने पड़ सकती है शायद। सबसे पहले इससे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर भी यार ये काफ़ी कम परसेंटेज हो रही है एक एक टाइम पे, क्योंकि आधी दीवार तो मैंने ख़त्म कर दी, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए इससे। तो ओके, अपना रूम नहीं मैंने इतना डेकोरेट किया कहीं। ओके, 25% पे हम लोग आ चुके हैं, दो दीवारें और बचती हैं, तो शायद नहीं इस तरफ भी आएगा। छत के लिए शायद मुझे स्टेयर्स खरीदने पड़ेंगी। न्यू पेंटिंग स्किल अवेलेबल, एक सेकेंड, बेसिक पेंटिंग पे अपग्रेड करते हैं और फास्ट हो जाएगा काम। यस, अब काफ़ी फास्ट हो चुका है वैसे तो। इस स्विच का मुझे अभी भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे काम करेगा?
क्योंकि अगर ये हाईलाइट हो रहा है मतलब कुछ तो काम हो सकता है इस पे। ओ भाई ये रही ना क्लीनिंग के लिए, मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये करना है क्लीन। ओके यहाँ पे हो गया। एक जगह और ऐसी कोई होगी छुपी हुई सी जहाँ पे क्लीनिंग बची हुई है इस विंडो पे। और कहाँ हो सकता है? चलो फिर से पेंट करते हैं, पेंट करते करते शायद फिर दिख जाए, क्योंकि ये भी हमें तैसे दिखा है। 96% हो चुका है, 4% का हमें कुछ करना पड़ेगा। शायद हो सकता है ज़मीन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा हो जो मैंने देखा ना हो, लेकिन अब तो इतना सामान लगा दिया मैंने भाई, अब तो वैसे नहीं दिखेगा। कहीं तो आएगा क्लीन करने का। इस तरफ तो नहीं है वैसे। चलो पेंट पे चलते हैं वापस और उसके बाद देखेंगे, ठीक है? काफ़ी कम दीवारें बची हैं, 36% हमने कर दिया, 96% डर्ट हो गई है, ट्रैश हमारा 100% है, पेंट हमारा होने वाला है, फिर एक रूम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लेंगे मोटा पैसा। 30,000 हमारे हो गए, 33,000 पे हम लोग आए थे, अभी और ज़्यादा चाहिए होगा हमें, तो ये बेचेंगे हम और ज़्यादा महंगा। रेडिएटर के पीछे भी चेक किया था वैसे तो मैंने, साफ़ तो हो गया होना चाहिए। इसको मूव करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा ना कि रेडिएटर हटा के देख लो तुम, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और दूसरी साइड से रेडिएटर चेक करने की कोशिश करूं तो शायद से, हाँ आई थिंक यही है वो गंदगी जिसकी बात की जा रही है। अगर ये क्लीन हो गया फिर तो मतलब यही थी वो गंदगी, पर ये नहीं क्लीन हो रहा। इस तरफ होगा क्या? नहीं, आई थिंक ये लाइट की शैडो ही है सिर्फ। हाँ और कहाँ हो सकता है? इस तरफ तो मैंने सारा का सारा चेक किया था। ठीक है वापस आते हैं पेंट की तरफ और फिर से ढूंढेंगे। ठीक है एक काम करता हूँ, एक बार सारा पेंट करता हूँ फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और तब तक मैं ढूंढ के भी रखता हूँ। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा तो मैंने कर दिया है भाई लोग साफ, लेकिन अभी तक मुझे एक चीज़ फिर समझ नहीं आई कि ये अभी तक भी 100% क्यों नहीं हुआ। शायद ये किसी और रूम को काउंट कर रहा है भाई, क्योंकि इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे काम नहीं कर रहा। तो इसने शायद इस रूम को किसी और रूम के साथ काउंट कर रखा है। तो रिमूव ट्रैश तो आई थिंक हो ही गया हमारा मैक्सिमम। ओके क्लीन डर्ट। अब इस वाले रूम में चेक कर लेते हैं कि अब पता है साथ है, साथ में होगा, लेकिन नहीं। एक सेकेंड, ये वाले रूम का इसके साथ है, ये वाले रूम का शायद साथ में हो सकता है। ओके ओके तो ये बेड हम कुछ नहीं कर सकते, बेड इन्होंने जैसा छोड़ा वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम कि यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज देखेंगे, एक बार सारे के सारे कमरों को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे कितनी गंदगी बचती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे तो हमने कर ही लिया और इसके बाद ये भी हो गया। इसके तो शायद पक्का पक्का होगा, उसके पीछे कबर्ड के पीछे हमें चेक करना ही पड़ेगा। लाइट ऑन कर लेते हैं भाई क्योंकि दिख नहीं रहा अच्छे से। और ये इस तरफ भी कर लेंगे, इस तरफ भी कर लेते हैं। भाई कितनी ज़्यादा गंदगी फैला के रखी है इन्होंने। ठीक है अपना 60% हो चुका है, अब हमें इनको हटा के शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसको आगे लगाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कुछ है? नोप, इस तरफ काफ़ी साफ लग रहा है वैसे तो। तो इसको वापस लगा देता हूँ, अब इसको हटा के चेक करते हैं। अरे भाई ये भी साफ है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है इसको भी वापस रख देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है?
क्लीन पे आ गए, और आई थिंक ये वाला एरिया भी क्लीन होगा। हाँ तो 65% पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और दिखा। और इसके बाहर यहाँ का काउंट नहीं किया शायद, लेकिन क्लीन द विंडो है, अंदर से करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी भाई विंडो वाला, ये पिछली बार भी छूट गया था, ये इसीलिए दिक्कत देता है। ठीक है, 82% अपना हो गया है। और कौन सा एरिया बचता है? ये फ्रंट हो गया 86। ये भी साफ नहीं हो रहा, लेकिन ये हो जाएगा। हाँ क्लीन द विंडो। ये वाला तो जल्दी हो जाता है। इसमें तो सबसे ज्यादा मजा मुझे इसी में आता है। चलो एक विंडो हमारी क्लीन हो चुकी है, आई थिंक एक ही थी। इसमें भी 95% हमारा क्लीन दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता और कहाँ पे बचा हुआ है जो थोड़ी सी गंदगी है। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे होगी ये। छत पे चेक कर लिया, छत पे भी नहीं है। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, क्लीन पे जाते हैं और क्लीन शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ही गंदी कंडीशन में होता है हमेशा, पता नहीं किस किस चीज़ के होते हैं ये गंदे निशान। ठीक है, ये भी हो गया, और ये तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी कि अच्छे से साफ हो जाता है और कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ रहे अभी। बाद में तो ऐसा टाइम आएगा, टाइल्स वाइल्स सब चेंज करने पड़ जाएंगे। ये वाला हो गया 60%, 65, 73। ये थोड़ा सा दीवार पे दिख तो रहा है मुझे, लेकिन ये जा नहीं रहा शायद। ओके, और क्या साफ होना है यहाँ पे? ये रह गया, 78 हो गया। विंडो क्लीन करते हैं, फिर और ज़्यादा हो जाएगी परसेंटेज। लेकिन एक चीज देखने वाली, यहां पे हर विंडो एक जैसी लगती है। ये भी हो गया भाई, मुझे लगता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे खुद ही सेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही गंदा है। ठीक है, अच्छा ये दिख गया मुझे क्लीनिंग के लिए, ये क्लीन करना है हमें। आई थिंक कोई और टूल लगता है क्या क्लीनिंग के लिए, या ये सेल भी कर सकते हैं सामान हम। अरे ये दिख गई गंदगी। ओके 91% हो चुका है अपना, 95%। ओके यार, इसमें कोई कंट्रोल था क्या जिससे हम चेक कर सकते थे कि कहाँ गंदगी बची है? एक सेकंड, मैं ऑप्शंस में जाके कंट्रोल में देख लेता हूँ भाई। सेटिंग्स, कंट्रोल। ओ भाई सिर्फ इतना ही है क्या? अब कैसे पता चलेगा कि क्या क्या है? ओके, ये वाला रूम हमने पूरा कर दिया था, लेकिन इसमें दिखा रहा है, एक तो पेंट पूरा नहीं दिखा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा और कहाँ पेंट चाहिए इनको। फ्लोर पे करना है क्या पेंट, या बाहर से भी करना है? आई थिंक बाहर से तो नहीं करना होगा। एक बार चेक करें, क्लीन वाला अगर मैं इसमें आ गया और बाहर वाली साइड पे। बाहर से भी नहीं करना होगा आई थिंक, क्योंकि बाहर ऑप्शन आ नहीं रहा, लेकिन पेंट का चेक कर लूँ अगर मैं। नहीं भाई बाहर नहीं करना हमें पेंट, मैंने ऐसे ही कर दिया फालतू में।
बाहर नहीं करना, ये तो पूरे घर पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन इस रूम में करना है हमें। लेकिन और कहाँ हो सकता है, छत पे हो सकता है क्या? ओ, इससे परसेंटेज बढ़ रही है क्या? 72%, 73। ओ माय गॉड, यहाँ भी करना था, ये मिस हो जाता मुझसे अभी। 74, 75, और विंडो क्लोज करने के बाद यहाँ पे नहीं होगा। भाई लेकिन इससे भी 100% तो नहीं हो रहा, इतना मैं जानता हूँ। ये वाला थोड़ा सा एरिया बचा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सेवेंटी 9% हो गया, 80%, 1-1% बढ़ रहा है भाई। 20 डब्बे कहाँ बचे होंगे तो हमारे करने के लिए। वैसे हो सकता है दूसरी वाली विंडो भी अगर पूरी बची होगी तो। हाँ भाई, 83% तो हो ही चुका है। ओ, ये कैसे मिस कर दिया भाई मैंने? पेंट वाला तो हो गया, लेकिन क्लियर करने वाला, क्लीन करने वाला मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई कि क्या मिस हो रहा है। तो ये कंप्लीट किया, 89, 90, 91, 92, और यहाँ पे आएगा, साइड्स पे आया था क्या? हाँ, एक साइड तो आया था, ठीक है। और ये दूसरी साइड आ जाएगा, ये हो गया 94, और यहाँ से हो जाएगा 95। अब एक टुकड़ा और ढूंढना है जिस पे पेंट हो सकता है। ये हो चुका, हो चुका। ओके गाइस, तो वो वाला तो अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन एक काम करते हैं, लास्ट वाले रूम की तरफ आ चलते हैं। अब यहाँ पे तो शायद सारा का सारा हो ही जाना चाहिए हमसे क्लियर, क्योंकि यहाँ तो सामने दिख रहा है भाई, है ना? तो इसको अच्छे से कर लेते हैं एक बार, इसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। फिर मैं एक बार ट्यूटोरियल तो देखूंगा भाई कि यहाँ पे कैसे कितनी ज़्यादा गंदगी रह जा रही है और कैसे नहीं दिख रही, है ना? तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसके कंट्रोल्स बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है भाई, ये चीज़ की है। मज़ा बहुत दे रहा है, ये मज़ेदार बहुत है, लेकिन इसके कंट्रोल स्मूथ नहीं है। ये कहाँ से गंदा रह गया भाई। ओके, तो क्लीन द विंडो एक हो गई है, दूसरी बारी की बारी है। दो ही विंडो शायद क्लीन करनी थी यहाँ पे, ये तो बहुत ही गंदी है भाई। ठीक है, तो इसको किया, इसके बाद ये आ गए, और उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, अब बस क्लीन द डर्ट बचा, वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सामने सामने दिख रही है, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी। न्यूज़ क्लीनिंग स्किल अवेलेबल, ओके, क्लीनिंग स्किल मिल जाएगी तो शायद मिल जाएगा हमें। सी सम डर्ट इन मिनी मैप, ओके, ये बहुत ज़रूरी था। जो छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं ना गंदगी के, वो अब दिखेंगे शायद हमें। और इसकी लाइट ऑन करो पहले तो, ठीक है, ये वाला तो जल्दी हो जाएगा। अब मिनी मैप में काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गए मुझे, जो पहले नहीं दिख रहे थे क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे रूम्स कर ही दिए थे। और ये बचा है थोड़ा सा, फ्लोर पे भी है, विंडो भी हो गया। ओके, 93% हो चुका है, और ये रहा थोड़ा सा और। ये रूम आई थिंक पूरा पहला रूम है जो फुल 100% कंप्लीट हुआ है भाई। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, और इसमें भी है भाई, अब दिखने शुरू हो चुका है मुझे कि यहाँ कहीं कुछ तो गंदा है। और इधर भी दिख गया भाई, कुछ तो है। ओ, ये है क्या? यस, क्लीन डर्ट, इसका भी पूरा का पूरा साफ हो गया भाई। बिल्कुल छोटी छोटी सी एक चीज भी है ना, वो भी ध्यान दे के देखना पड़ रहा है। ओके, अब यहां कहीं पे एक तो टुकड़ा है किसी चीज का, इधर नहीं है भाई। कैसा मिशन की तरह ढूंढना पड़ रहा है।
यहां कहीं है गंदगी। बड़ा स्पॉट है भाई। और ये और हाँ यहाँ पे तो पेंट भी नहीं हुआ ना पूरी तरह से, ये कैसे पॉसिबल है? ओके एक काम करते हैं, मैप के आसपास समझते हैं ठीक है। अभी हम रेडिएटर की तरफ है, मतलब सामने एक दीवार है, वहाँ कुछ नहीं है। दीवार के साथ यहाँ पे दरवाज़ा है, इसमें कुछ है भाई गंदगी, तो ये पूरा का पूरा दरवाज़ा ही क्लीन कर दिया जाए। हाँ दरवाजे में ही है भाई, क्योंकि ये हिल रही है, लेकिन इसको बंद करें तब शायद दिखेगा ये। ओ ये रही भाई, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है अब। ओ यार कैसे हो गया ये? चलो अब इस रूम का शायद 100% हो चुका होगा। यस क्लीनिंग का पूरा हो चुका है, बस अब 5% पेंट का देखना है मुझे, ये कहाँ कहाँ पे पेंट हो सकता है ठीक है। पेंट कहाँ किया जाए? इस पे कर सकते हैं क्या? कोई एक लाइट तो नहीं रह गया थोड़े लाइट कलर का? ये रहा भाई विंडो के साथ वाला कॉर्नर, 97 और 2 इस तरफ होंगे भाई, कैसे मिस हो सकता था ये? ये तो फील भी नहीं हो रहा भाई, फील भी नहीं हो रहा कि हो रहा है। न्यू पेंटिंग स्किल अवेलेबल, चलो भाई पेंटिंग स्किल आ चुके हैं। ओके अब हमें देखना है कि 96% डर्ट क्लीन हुई है भाई इस रूम की, नहीं अदर रूम्स है भाई। ओके तो आई थिंक ये वाला है कमरा, इस दरवाजे पे है गंदगी और वो मुझे दिख गई भाई, ये चीज़ तो बिल्कुल ब्रांड न्यू पता लगी, हर दरवाजे पे गंदगी है ठीक है। और ये लो, ओके तो इसके अंदर वाली तरफ तो नहीं है वैसे। ये वाला कितना 81% दिखा रहा है ना, टोटल से दिखा रहा है ये। और इस रूम में आई थिंक हमारी 100% हो चुकी है अब, ये भी डन है। ये रही लास्ट की गंदगी भाई, 90% हो चुकी है। अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ की बची। 4 out of 5 टास्क दिखा रहा है कंप्लीट है, तो अब मुझे जाके देखना पड़ेगा। क्लीन डर्ट, 99% डर्ट क्लीन हो चुकी है, मुझे देखना एक बार कि कहाँ पे बची है ना। तो सबसे पहले इस रूम में आते हैं, इस रूम में डन है ठीक है। इस रूम में बची है, मतलब इधर हॉल में बची हुई है, लेकिन कहाँ बची हुई है वो हमें बहुत तरीके से ढूंढने पड़ेगी। यहाँ पे हमने कर दिया साफ, ओके ओके आई थिंक यही है यार यहाँ पे, और तो क्या ही गंदा हो सकता है। कंप्लीट द ऑर्डर, आई थिंक ये टाइम आ चुका है हमारा कि हम इस ऑर्डर को कंप्लीट करें। 10% से हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च दिए उस पर। ऑलरेडी यू हैव कंप्लीट, यू मे नाउ कंप्लीट द ऑर्डर, हो द ऑर्डर इज नॉट फुली कंप्लीट। नहीं यार कुछ मन नहीं आ रहा, एक सेकंड में काम करता हूँ ढूंढ लेता हूँ फिर तुम लोगों को। अरे दिख गई, दिखाता हूँ फिर। ओके फाइनली गाइस 100% कंप्लीट हो चुका है हमारा ये टास्क। 33,000 थे हमारे पास ऑलमोस्ट, हमने अच्छा 31,000 बचे हैं, 2,000 हमने खर्च किया और 5,600 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि कितना बनता है।
काफ़ी ज़्यादा लंबा था भाई, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। तो इसको मैं तुम्हें कट करके दिखा दूंगा, और इसके बाद हमें ऑफिस को सेटअप करना है भाई काफ़ी अच्छे तरीके से। 36,000 हमारे पास हो गए हैं, इस काम पे जाने से पहले 33,000 थे, तो ऑलमोस्ट 3,500 का प्रॉफिट हुआ है हमें। ओके, तो यहाँ के लिए भी हमें काफ़ी कुछ करना है। माल फंक्शन रूम 16 स्क्वायर, ओके मल्टी फंक्शनल, ओ सॉरी मैं क्या पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टास्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक बार ये हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट के लिए करेंगे, जो बड़े बड़े टास्क आएंगे, बड़ा वाला घर आएगा उसको अरेंज करने का। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।